हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की राय भी देते हैं। आइए आज बात करते हैं केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड के स्टॉक की। इस स्टॉक में आज अच्छा उछाल देखने को मिला है, नियरली 2% के अराउंड इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है और ये जो स्टॉक है 211.85 रुपीज़ पर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में भी उछाल देखने को मिला है और जिन कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनमें आपको बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं उनकी आज स्टॉक मार्केट में पिटाई भी हो रही है। इसीलिए हम आपको कहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इंटर करने से पहले किसी भी स्टॉक का एनालिसिस जरूर करें, उसके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर जरूर स्टडी करें। तो आइए आज केवल किरण क्लॉथिंग के सारे पैरामीटर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करें। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस कंपनी इज शोइंग राइज इन द नेट कैश फ्लो एंड द कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस कंपनी के पास कैश जो है बढ़ रहा है, तो ये जो कंपनी है एक कैश रिच कंपनी है। और यदि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 1305 करोड़ का है, EPS 13.25 का है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ पर शेयर की है। यदि इसकी TTM PE रेशो देखें नियरली 16 है, सेक्टर की PE रेशो 98 की है। तो सेक्टर के कंपैरेटिवली जरूर आजकल ये जो स्टॉक है आपको लो वैल्यूएशंस पे मिल सकता है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल सकता है, क्योंकि PE रेशो इसकी सेक्टर से लो ही है। प्राइस टू बुक रेशो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3.02 की है। डिविडेंड जील्ड इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया है, नियरली 9% के अराउंड इस कंपनी का डिविडेंड जील्ड निकल कर आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के कुछ टेक्निकल लेवल जान लेते हैं। यदि इसके सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल देखें, 216.33 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 224.82 का है, तीसरा 230.43 का है। यदि इसके सपोर्ट देखें 202, 196 एंड 188, पाइवट इसका जो है वो 210 के राउंड चल रहा है। तो आप यदि शॉर्ट टर्म में कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको इन लेवल्स पे जरूर फोकस करना होगा। तो आजकल ये जो स्टॉक है अपने पाइवट लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। यदि इसकी मूविंग एवरेज देखें तो शॉर्ट टर्म में जरूर आप इस स्टॉक में अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। 5 डे की एवरेज देखो, 10 डे की, 20 डे की और 50 डे की मूविंग एवरेज बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड शो कर रही हैं। शॉर्ट रिकवरी इस स्टॉक में जो है देखने को मिल रही है। और यदि इस कंपनी के 100 डे के मूविंग एवरेज देखें तो वो भी नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, 200 डे के मूविंग एवरेज फिर बहुत ही पॉजिटिव है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1 वीक का देखें, इसका 5.24% की रैली है। 1 मंथ का डाटा देखोगे 8.78% की करेक्शन ही देखने को मिलेगी। 3 मंथ में भी 4.18% की जो तेजी है। जीयर टिल डेट में 9.64% की गिरावट है। 1 ईयर में जरूर इसमें जो है 20.62% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 3 ईयर्स में इस स्टॉक में फिर आपको नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, 17.38% की गिरावट है। तो ओवरऑल इस स्टॉक में कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी ही पाई जा रही है, अप्स एंड डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसके लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर जान लेते हैं। दोस्तों, इसके मार्च 22 के जो नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं कि इसके लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स किस तरह के रहे हैं। सबसे पहले इसके सेल्स का डाटा देख लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की जो नेट सेल्स है 169 करोड़ रिपोर्ट की गई है, लास्ट ईयर सेम पीरियड में 110.70 करोड़ थी। तो यहाँ पे 53.18% का जंप देखने को मिल गया है। आइए बात करते हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की। मार्च 22 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 24.70 करोड़ है और लास्ट ईयर सेम पीरियड में 8.64 करोड़ था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 186% की बढ़िया ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं एबिटा की। एबिटा में भी आपको 178% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और EPS देखें तो ये जरूर आपको रिड्यूस होता दिख रहा है टू 4.01 रुपीज़। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम शो कर दिया है। आइए इसका यदि हम डिटेल में एनालिसिस करें, पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। 169 करोड़ है मार्च 22 में। दिसंबर 21 में टोटल इनकम 171 करोड़ थी। मार्च 21 में देखें तो 110 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड भी देखने को मिला है।
अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिल चुका है। 8.64 करोड़ से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के 24.74 करोड़ हो गया है। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही पाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके EPS की, तो EPS में भी शानदार रिकवरी जो है वो आपको देखने को मिल चुकी है। आइए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी का EPS 3.46 रुपीज़ से बढ़कर 4.01 रुपीज़ हो गया है। आइए बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग किस तरह का निकल कर आ रहा है। क्या इस कंपनी का शेयर होल्डिंग मिक्स है या FIIs किस तरह की इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, आइए डिटेल में एक बार देख लेते हैं। यदि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू देखें, 18 से लेके और 22 तक इस कंपनी के रेवेन्यू का डाटा देखें तो ओवरऑल जरूर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बीच में 21 में जरूर आप देख सकते हो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन 22 में फिर इस कंपनी के रेवेन्यू में रिकवरी देखने को मिल गई है, क्योंकि 21 में कोविड पेंडेमिक भी आया था, लॉकडाउन भी हुआ था और रिटेल स्टोर भी बंद हो गए थे। इसके कारण इस कंपनी के रेवेन्यू में भी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था। तो इसका नेट प्रॉफिट का डाटा भी सेम टाइप का पैटर्न शो कर रहा है, पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड है फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन 22 ईयर्स में इसने बहुत ही बढ़िया रिकवरी शो कर दी है। यदि इसके नेट क्वार्टरली डाटा देखें तो क्वार्टरली डाटा भी बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस। सिमिलरली नेट प्रॉफिट का डाटा भी पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो आप देख सकते हो मार्च 21 में इसका नेट प्रॉफिट 8 करोड़ था, मार्च 22 में बढ़ के 24 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर भी बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग देखोगे तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है 74.25% का, FIIs के पास 1.66% का स्टेक है, DIIs के पास 6.01% का स्टेक है और पब्लिक के पास 18.08% का स्टेक है। आइए देख लेते हैं कि इसका जो स्टेक है कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो FIIs हैं वो इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, उनके नंबर भी बढ़ चुके हैं और उनकी जो होल्डिंग है वो भी इस कंपनी में बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, जब FIIs किसी कंपनी में खरीदारी करते हैं तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है कि आने वाले टाइम में उसके स्टॉक में भी बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल जाए। यदि इसकी वैल्यूएशंस कंपेयर करें डिफरेंट पीयर्स के साथ तो ये जो स्टॉक है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी मिल रहा है। इसकी PE रेशो 15.99 की है, प्राइस टू बुक रेशो 3.02 की है, तो दीज आर वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। लेकिन ROE परसेंटेज देखें बहुत ही शानदार है, 17.07% है, बहुत ही डिसेंट वैल्यू है। डेबिट टू इक्विटी रेशो देखें तो 0.16 की है, लो है, तो डेबिट भी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपनी के। सो दिस इज़ ए लो डेबिट कंपनी, कैश रिच कंपनी एंड इसकी वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स भी पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं और टेक्निकली भी अब इस स्टॉक में ब्यूलिश पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके इस स्टॉक को अकमुलेट करें, एक एक दो दो क्वांटिटी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इस स्टॉक में अकमुलेशन करते रहें। और इसके जो टारगेट है वो 303 के रह सकते हैं एज पर द आनंद राठी। तो आनंद राठी इस पर बाई कॉल दे रहे हैं, 303 की जो है कॉल दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव इस स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, आपको अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि इसके लेटेस्ट जो नंबर्स आए हैं बहुत ही शानदार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 22 में 15% की और 12% की हायर रेवेन्यू और पैट का जो डाटा है वो देखने को मिला है दैन द प्री कोविड 19 लेवल। रेवेन्यू ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय द 28% वॉल्यूम ग्रोथ। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, पैट भी बढ़ रहा है, अबिटा भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी आपको इंप्रूव होते दिख रहे हैं। विद रिकवरी सेटिंग इन एंड रेवेन्यू क्रॉसिंग प्री कोविड लेवल्स लिक्विडिटी इज ए कंफर्टेबल ₹3,154 मिलियंस। सो देयरफॉर इसके जो टारगेट हैं वो रेज कर दिए गए हैं, 303 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसके रेवेन्यू की, अबिटा की, EPS की जो CAGR ग्रोथ है वो 14%, 16% एंड 11% रह सकती है ओवर द फाइनेंशियल ईयर 22 to 24। तो आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक में 303 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम आपको इस स्टॉक में अकमुलेट की जो है वो राय देते हैं। धीरे धीरे करके इसको अकमुलेट करें, सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, लंप सम इन्वेस्टमेंट ना करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको जो है बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। आजकल मार्केट वोलेटाइल है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक भी आपको लो प्राइसेस पे मिल सकते हैं, जैसे
करके इस स्टॉक में भी बहुत ही बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल चुकी है। लास्ट वन ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी जो है आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो अपने हाईएस्ट लेवल से ये स्टॉक बहुत ही बड़ी करेक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। सो थैंक्स अगेन, अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें।